आप सैर कर रहे हैं, सैर भी कीजिए और खबरों से अपडेट भी रहिए। द सूत्र आपके लिए लाया है सुबह का पॉडकास्ट, सैर भी खबर भी। नमस्कार, मैं हूं राहुल गढ़वाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी सुंदरनगर और सोलन में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी व्यास में राधा स्वामी सत्संग भी जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। इस दौरान मोदी के दौरे को लेकर करीब 1000 जवान तैनात रहेंगे। शहर को 9 सेक्टरों में बांटा गया है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के करसोग में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी आम जनमानस की पार्टी है। माताओं बहनों का और युवाओं का किसी पार्टी में स्थान है तो वह भारतीय जनता पार्टी में है। बीजेपी चुनाव में जनता के बीच जाकर विकास के काम गिना रही है। वहीं कांग्रेस के पास गिनाने को कुछ नहीं है तो उसके नेता सिर्फ यही कह रहे हैं कि हिमाचल में रिवाज है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में माँ बेटे चला रहे हैं और यहाँ हिमाचल में भी माँ बेटे चला रहे हैं। कांग्रेस में आम जनता का कोई स्थान नहीं है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 58वां दिन है, जबकि तेलंगाना में यात्रा का 13वां दिन है। गुरुवार को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत रुद्रम से की। यात्रा के दौरान राहुल के अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं। गुरुवार को राहुल गांधी ने बच्चों के साथ कराटे प्रैक्टिस की, साथ ही उनके साथ सड़क पर क्रिकेट भी खेला। इसके बाद राहुल बोनालू फेस्टिवल में शामिल हुए। इस दौरान राहुल ने खुद को कोड़े मारे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। टी20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच 9:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच 12:30 बजे से खेला जाएगा। ग्रुप एक में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए जीत जरूरी है। इसके साथ ही टीमें बड़े अंतर से जीतना चाहेंगी, क्योंकि ग्रुप एक में सेमीफाइनल का दरवाजा नेट रन रेट की चाबी से खुलेगा। अगर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अपने अपने मैच जीत लेती हैं तो फिर तीनों टीमों के बीच में से बेहतर नेट रन रेट वाली 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। आकाश मिश्रा की रिपोर्ट।